मला रेकॉर्डिंग बंद कर ना. अरे नाही तो ब्लॉग बंद होईल. बंद कर बंद कर गोप्रेपुर वापरले मी लावणार नाही. काय नाही लावू शकत. आम्ही कॉल करून आलो आणि म्हणून आमच्या क्लासवर क्लासवर लावा मधून मी नाही लावणार का. जॉब कार्ड बनवते मध्ये मी लावणार नाही. पण जॉब कार्ड म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे ते बघू दे. तुटलाय फक्त क्लचवर रिप्लेस करायचं. मी क्लचवर घेऊन देतो. जॉब कार्ड बनवायला लागेल. डायरेक्ट वाकडत म्हणतो. मेकॅनिकशी बोलायचं काय संबंधच नाही ना. तुम्ही सर्व्हिस ऑर्डरशी बोला ना. त्यासाठी पहिला सर्व्हिस ऑर्डरशी बोला. सर्व्हिस ऑर्डर सांगेल. सर्व्हिस ऑर्डर नाही बोलला ना तुम्ही मॅनेजरशी बोला. कॉल करून आलो बरोबर आहे. पण त्याच्याशी त्याच्याशी कॉल केला का. त्याला कॉल केला का. नाही ना मॅनेजरला कॉल केला. तुम्ही कोणाला कॉल केला. कोण आहे ते अमोलला असू किंवा काय नाही नाही बंद बंद जेवण करून घे. इथं मी खाली आलो. मी याला बोललो मला क्लच लिव्हर चेंज करायचं. तो डायरेक्ट बोललो मी काम करणार नाही गाडीचं. का कोण हे तो होम करता तू काय नाव देतो. तो आतमध्ये तो आनंद रिडेचं काम करतो. ते तू येऊन खाली बोल. मी नाही बोलणार त्यासोबत. तुला काय बोलणार. तू येऊन खाली बोल त्यासोबत. हे मला का बोलतो तो बाबा तुम्हाला बोलते का. परत तुझ्या याला काय झालं तर मी जबाबदार नाही. त्याला मी क्लच लिव्हर चेंज करायला बोलतो. तो मला इंजिनचं कसं बोलू शकतो. मी त्याला डायरेक्ट बोललो नाही. अरे बोललो दादा त्यामध्ये क्लच लिव्हर चेंज करायचं. एवढंच बोललो त्याला मी. कारण ते पण तू मला खाली भेटला नाही म्हणून मी त्याला बोललो. कारण नॉर्मली त्याला येऊन भेटतो मी. मग तो मला गुरमी दाखवतो खाली म्हणतो मी काम करणार नाही. म्हणजे मी का फुकट करून घेतो का त्याकडलं काम. तू खाली ये जरा. खाली आलं तर बरं होईल. खाली ये. वरती असेल ना. ठीक आता तुम्हाला प्रश्न आहे. जॉब कार्ड साडेआठ.
मी जरा लिव्हरचं बोलतोय, तो मला इंजिनचं बोलतो. मागच्या वेळी माझा कॅन्सल गेला, मी ज्याला पण माहिती 18,000 समथिंग बिल झालं. मला गाडीला 10 मिनिटांमध्ये मला व्हायब्रेशन जाणार होते मी, आणि ते सायलेन्सर नट सुद्धा लूज झाला, त्याने चुकी मान्य पण केली. त्याला ते दाखवलं होतं, तो म्हणजे तू काय झालं तू माझ्यावर टाकतो म्हणजे काय दादागिरी तुम्ही दाखवताय. नीट दादा बोललेलं तरी नंतर राग काढायचं तर आम्ही माणसं राग काढतो. भेटी कॉल करून आलो ते ओळखीचे म्हणून मी त्याला फक्त बोललो आहे, तू भेटला नाही.
तो देखा आप लोगों ने क्या सीन होता है, ये लोग कैसे कस्टमर से बातें करते, कैसे ट्रीट करते कस्टमर लोगों को। ये बंदे को मैंने सिर्फ बोला था नॉर्मली मेरा क्लच लीवर चेंज करना है, और वो मेरे से झगड़ा इस बात पे कर रहा है कि तू कुछ भी, मैं तेरे गाड़ी का काम नहीं करने वाला। और वजह पूछने पे वो बता रहा है कि लास्ट टाइम जब तेरे गाड़ी का काम किया था कुछ का ये हुआ था, तूने मेरे पे ब्लेम डाला था। तो वो ऑब्वियसली बात है, मैं उस पर ही ब्लेम डालूंगा। मेरे भाई का कैमशाफ्ट जब गया तो मैं उसके पास से करा के ले रहा हूँ, उसने मेरे को 18,000 का समथिंग कुछ तो बिल दिया था, और गाड़ी के 6 दिन में मेरे को फिर से साइलेंसर में से एक अलग सा आवाज़ आने लगा था, और मैं समझ गया था साइलेंसर में से एयर पास हो रही है, वही उसका ये सब आवाज़ है। मैं उसके पास जब गाड़ी कराने लेके आया ठीक, तो वो बंदा उसकी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, और जब हम लोगों ने गाड़ी उसने ओपन किया तब उसको दिखा कि हाँ उसके पास से 2 बोल्ट लूज़ रह गए थे, साइलेंसर के 2 बोल्ट लूज़ हो गए थे। मतलब वो वाली पॉइंट को लेके वो आज मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, जबकि वो पॉइंट का कुछ आज था ही नहीं। आज सिंपल सी बात थी, एक बस क्लच लीवर चेंज करना था, वो मेरे को डायरेक्टली बोल रहे कि मैं तेरा गाड़ी नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाएगा भाई, लास्ट टाइम भी जो तूने किया था वो तूने फ्री में काम तो नहीं किया था, मैंने पैसे दिए थे उसके लिए, और तेरे को करना ही है, मैं तेरा कस्टमर हूँ, तेरे को मैं अगर कोई चीज़ मेरी गाड़ी कुछ मैं इशू निकल रहा था वो तेरे को ही ठीक करना पड़ेगा। वो ये बात नहीं कर सकता था, वो मेरे को दिखा रहा है कि भाई तेरे को जिसको बोलना है बोल, जो करना है कर, क्या करना है कर, ठीक है। तो उसको अभी हम देखेंगे, अभी मैं TVS को एक लीगली मेल भेजूंगा, उनसे बात करके देखूंगा पहले क्या रिस्पांस मिल रहा है मेरे को, फिर उसके बाद आगे की बातें देखते हैं हम लोग। बट मैं अभी एकदम स्ट्रांगली किसी को भी रेफर नहीं करूंगा भाई तुम लोग TVS में जाओ, TVS का बाइक परचेज करो। ये गलती मैं अभी किसी को नहीं करूंगा, मेरे कोई भी फ्रेंड जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप लोग TVS का बाइक मत लेना, क्योंकि ये लोग का कस्टमर के साथ जो बिहेवियर है वो एकदम, मतलब बोलते हैं ना देख आपको समझ गया रहेगा ये लोग कैसे बिहेव करते कस्टमर के साथ। वो बंदा गाड़ी लेने के लिए रेडी नहीं था, जस्ट बिकॉज उसकी गलती थी, उसको हम लोग लास्ट टाइम उसकी गलती दिखा के दी थी, इसके लिए उसका ईगो हर्ट हुआ है, और वो अभी हमको बता रहा है। बट ठीक है, वो बंदे का नाम मैंने मेंशन नहीं किया था पहले, बट अभी बता रहा हूँ कि उसका नाम अमोल करके नाम है, उसका जो टेक्नीशियन है 310 का, उसका अमोल करके नाम है। बट ठीक है, एक आदमी ठीक नहीं है उसको ये मतलब नहीं, बट ओमकार भाई की मदद से हम लोग की गाड़ी तो ठीक हो गई, क्लच लीवर वगैरह लग गया, कोई वैसा ये सीन नहीं। बट स्टिल मैं आप लोगों को भी रेफ़र नहीं करूँगा कि आप लोगों को TVS के लिए जाओ। पर्सनली मेरा तो ओपिनियन ये रहेगा, मैं आज के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने TVS का ये बाइक लेके मैंने गलती किया, कि मैंने मतलब जो समझा था जो सोचा था कि हाँ ये लोग ऐसा है, इनका जो दिखा रहे थे कि हम लोग ऐसा कर रहे थे वो सब, आज मेरा पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया इस पे से। मेरे को मेरी गलती फील होने लगी कि भाई मैंने ये गाड़ी क्यों लिया, क्यों मैं TVS में चेंज हुआ, मेरे पास और भी ऑप्शन थे, क्या ड्यूक 390 ले सकता था, डोमिनर ले सकता था, बट ये एक बोलते ना कोलैबोरेशन वाली गाड़ी थी, मेरे को ये गाड़ी का लुक वगैरह इतना अच्छा लगा था, मुझे पता नहीं था कि इनका कस्टमर सर्विस इतना बोलते ना कोई लेवल ही नहीं है उसका, कुछ इतना ख़राब उन्होंने कस्टमर सर्विस है उनका। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, सो फार सो गुड। देखते हैं अभी मेरे को आगे से क्या रिस्पांस आ रहा है, मैं भी मेल करूँगा TVS वालों से, क्या मेरे को क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है, मैं सब देखूँगा उसके बाद। ठीक है, मेरा बस एक ही है कि वो बंदे को मेरे से सॉरी बोलने लगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मेरे साथ बिहेव किया ना, क्योंकि कुछ था नहीं, और पहली बात तो वो हमें ये नहीं बोल सकता कि भाई इधर कैमरा नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड, भाई तुम लोग झगड़े कर रहे हो सीधा, ऐसे टाइम पे कैमरा ये हम लोग नहीं दिखाएंगे, पब्लिक को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। पब्लिक बस TVS का ब्रांड देख के ले रही है, बट उस कस्टमर सर्विस वो लोग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी ने नहीं देखा, और आज ये ब्लॉग इसके लिए मैंने बनाया, और ये ब्लॉग एकदम गलती से बन गया, मेरे को नहीं पता था मेरे साथ आज ये सीन होने वाला है। मैं नॉर्मल अपना मैं अपना ये क्लच लीवर बदलने के लिए आया था, बस ये मेरा था, बट ये लोगों ने कुछ अलग ही सीन दिखा दिया मेरे को। सीरियसली जो भी अगर ये 310 वाला कोई भी 310 ओनर वाला अगर ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज़ पनवेल शोरूम से तो आप लोग गलती से सर्विस मत कराना, गलती से भी नहीं। प्रियंका TVS समथिंग नाम था उनका, और मैं हमेशा उससे इधर से ही सर्विस कराता हूँ, मगर वो बंदे ने जो पिछले बार का दिमाग में रखे मेरे से आज बिहेव किया वो उसका गलती था, उसको उसके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, जो लीगली बनेगा वो करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बंदा कोई हमें फ्री में काम नहीं करा के दे रहा था, जो हम उसके बातें सुने उसके हिसाब से हम लोग बोले, इसके लिए वो हमें नहीं बोल सकता। बस अभी मूड ख़राब हो गया, ज़्यादा ब्लॉक करने में कुछ मन नहीं लग रहा है, बस इतना ही था।
तो थोड़े देर बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे बात की क्या अगर वो बंदा मेरे को सॉरी बोल रहा है तो मैं ये सब सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं लीगली जाने वाला था, मैं TVS वगैरह को मेल करने वाला था सब। मगर वो लोग मैनेजर वगैरह ने बोला कि नहीं हमारे जॉब पे आ जाएगा सब ऐसा वैसा, इसलिए फिर मैं बोला कि एक वो बंदे को मेरे को सॉरी बोलने लगा, उसके आगे ठीक है मैं लीगली कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं आप लोगों की कंप्लेंट भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो बोला ठीक है। तो उसके बाद उसने मेरे को कॉल किया सामने से मैनेजर ने, और वो मैनेजर ने उसको कॉल दिया, तो वो बंदे का एटीट्यूड देखो उसने कैसे बात किया मेरे से। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, वो देखो आपके, उसने बस सॉरी बोला और फ़ोन दूसरे के हाथ में दे दिया। आप देखो अभी आगे का रिकॉर्डिंग। हाँ हेलो बोल रहा था, क्या बोला? ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोणत्या कस्टमर सोबत असं वागू नकोस। तो देखा आपने, आपको आप लोग मेरे को यही बताओ कि आप लोग कितना जेन्युइनली सॉरी लगा ये। हाँ ऐसा लगा कि हाँ शायद उसको वो गलती फील हुआ उसका और उसने सॉरी बोला, कितना जेन्युइन लगा आपको ये सॉरी? आप ही लोग मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे को तो ये जेन्युइन सॉरी नहीं लगा था। और वो लोगों का सॉरी बोलने का बस एक ही था, क्योंकि अगर मेरे पास GoPro नहीं होता तब, अगर ये मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं होता कुछ, तो क्या वो लोग मेरे को सॉरी बोलते? नहीं बोलते ना, ऑब्वियसली नहीं बोलते, क्योंकि जब उनके अभी मेरे उनको पता था कि भाई इसके पास हम लोग का सब रिकॉर्डेड है, ये अगर लीगली जाएगा तो हम लोग ही फंसेंगे, तो उन लोग ने सॉरी बोला। मगर वो कितना जेन्युइन नहीं लगा और कितना पॉइंट था वो सॉरी में, आप लोग ही देखा। इसलिए ये वीडियो मैंने बस, मैं ये पोस्ट नहीं करने वाला था, बट ये पोस्ट करने का एक ही रीज़न था कि ये मेरे को पब्लिक को दिखाना था कि ये लोग आगे आप लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे पास तो चलो ठीक है, मेरे पास GoPro था इसलिए सब रिकॉर्ड हुआ, उसके आगे लिए इसलिए मैं उनसे बिंदास भिड़ गया उधर, क्योंकि जब मेरी गलती नहीं थी तो मैं भाई कोई चीज़ से सुनने वाला तो था नहीं। और वो हम लोग कोई भी हो, मैं हूँ कोई भी हो, वो किसी कस्टमर से ऐसे बातें नहीं कर सकते। सो बस आई होप आप लोगों को सब समझ गया रहेगा, ज़्यादा कुछ मेरे को इसमें लाइक शेयर ये सब नहीं बोलना है, बस एक अवेयरनेस के लिए वीडियो था कि ये देखो ये अंदर होता है। आप लोग जब जा रहे हो आपका बाइक सर्विस कराने के लिए तो अंदर जाके देखो कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे, वो भी देखो। बस बाइक सर्विस में छोड़ के मत आया करो, जो भी सर्विस कर रहे हो आप लोग सामने देखो, डिटेल से पूछो क्या किया क्यों किया भाई। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा बिहेवियर हो रहा है ना तो बिंदास कंप्लेंट करो। बस That's it.